हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुनैना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और प्रोडक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई करना स्किन पर कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ कर। जो सनस्क्रीन होती है वो हमारी स्किन को सन रेज से बचाती है। कई बार सन रेज की वजह से टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सन बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और कई बार अगर आप अच्छे तरीके से सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो प्री मेच्योर एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वो है लोटस हर्बल का सेव सन, जो कि एक मैट जेल है और ये आपको मैट लुक प्रोवाइड करता है, ऑयल कंट्रोल करता है और अल्ट्रा सूदिंग देता है आपकी स्किन में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी पैकेजिंग की। तो ये इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और बैक साइड में उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसके बेनिफिट क्या है और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या क्या है, और यहाँ पे उसकी प्राइसिंग वगैरह की डिटेल भी मेंशन है। तो इसकी प्राइस वगैरह की जो डिटेल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो थोड़ा सा अमाउंट मैं इसको हाथ पे लेके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो जेल बेस्ड है, तो आपकी स्किन पे वो वाइट कास्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो कि कई सारी सनस्क्रीन में हमें देखने को मिल जाती है। और ये आपकी स्किन पे बहुत ही जल्दी अब्जॉर्व हो जाता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से अब्जॉर्व हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है आपकी स्किन पे। और स्प्रेड होने के बाद में कुछ भी ऐसा सा चिपचिपाहट या स्टिकीनेस मुझे फील नहीं, एकदम ही स्मूथ सी फिनिश आई है इस अब्जॉर्व होने के बाद में, और बिल्कुल भी ऐसे ऑयल या स्टिकीनेस भी फील नहीं हो रही है, और कोई भी वाइट कास्ट की प्रॉब्लम भी मुझे नहीं देखने को मिली है क्योंकि ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है, तो वाइट कास्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं इसमें क्योंकि ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्व हो जाता है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद है। इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले, बट ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है उसको हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी इसको यूज़ करने के बाद में, तो ड्राई स्किन वाले ना ही यूज़ करें इसको। हाँ, अगर आपको ऑयल की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन में भी समर के टाइम में हो जाता है प्रॉब्लम, मुझे रहती है वो प्रॉब्लम, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ उस टाइम पे। तो अब इसकी बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये जो ट्यूब है ये 100 ग्राम की ट्यूब है और इसका जो प्राइस है ये है 455, ठीक है। और इसमें एक स्मॉल पैकेजिंग भी आती है जो कि 50 ग्राम जिसमें इसकी क्वांटिटी होती है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं इसको समर्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसकी बड़ी पैकेजिंग ही मंगा के रखती हूँ। तो अगर आपको वो ट्राई करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइज, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करती हैं आपकी जो सनस्क्रीन है उसमें यहाँ पे सन ब्लॉक मेंशन होना चाहिए, क्योंकि कई सारी सनस्क्रीन जो होती हैं जिनमें मेंशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी जो सनस्क्रीन में सन ब्लॉक मेंशन है तो वो क्या करता है, जो सन की रेज होती है ना उनको ब्लॉक करता है, उस सन रेज को आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होने देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जिनमें ये मेंशन नहीं होता उनमें क्या होता है कि सन रेज को वो फिल्टर करता है, तो कुछ जो सन रेज होती है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्व हो जाती हैं। और SPF का ध्यान रखें, इसका जो SPF है वो 50 है और 30 SPF की भी क्रीम अच्छी होती हैं सनस्क्रीन जो होती हैं, लेकिन इससे बिलो की जो सनस्क्रीन है आप प्लीज़ वो ना यूज़ करें। और अगर आपके मॉइस्चराइज़र में ऑलरेडी SPF है जो कि 30 से कम है तो भी आप मॉइस्चराइज़ करने के बाद में जब भी आप घर से बाहर निकले दोपहर में या मॉर्निंग में या सन में कभी भी, तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के निकलिए ताकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे और हार्मफुल रेस से बचाए सन की। तो गाइज, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के। अगर आप इसको यूज़ कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी अनदर प्रोडक्ट को रिव्यू करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़,
लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए।